दोस्तों, वीर्य हमारे शरीर का अमृत होता है और इस अमृत को अगर व्यर्थ बहाया गया तो इसके दुष्परिणाम लॉन्ग टर्म में हमारे शरीर में देखने के लिए मिलते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हस्त मैथुन या मास्टरबेशन का। अगर किसी को एडिक्शन हो जाए, अगर किसी को लत लग जाए तो उसके शरीर में क्या दुष्प्रभाव होते हैं, एज पर आयुर्वेदा और योग की मदद से किस तरीके से आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं, सारी चीजें अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अगर आप वीडियो में नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाए। साथ ही नीचे जो घंटी का निशान है इसको अगर आप दबा लेंगे तो मेरी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मैं अपलोड करूंगी वो आप मिस नहीं करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहला सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, क्या मास्टरबेशन करना ठीक है या इसके शरीर पे कोई दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं? इस सवाल का जवाब आप खुद दे देंगे जब आप इस एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनेंगे। एज पर आयुर्वेदा जो वीर्य होता है ये हमारे शरीर का अमृत होता है और आप खुद सोचिए, इस अमृत को हम व्यर्थ नहीं बहा सकते हैं। हमारे शरीर में उपस्थित जो सात धातुएं हैं, और ये सात धातुएं कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और साथ ही आपका लास्ट जो धातु है सप्त धातुओं में से सातवां धातु शुक्र। कोई भी भोजन करते हैं उस भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं ना, इन्हीं पोषक तत्वों से ये सात धातुओं का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने जो भी खाना पीना खाया उसमें इनिशियली जैसे ही वो खाना हमारे पेट में गया, जठर अग्नि जली और फिर उसके बाद वो खाना पचना शुरू हुआ। उस पचे हुए खाने से सबसे पहले आपका बनता है रस। फिर उस खाने को पचाते पचाते जब अगले 5 दिन बीत जाते हैं तो फिर उससे बनता है रक्त। फिर अगले 5 दिन में उस पचाए हुए खाने से बनता है मांस। फिर अगले 5-5 दिनों में अस्थि बनती है, मज्जा बनता है, साथ ही मेद बनता है। और एट लास्ट में उस खाने में उपस्थित जो पोषक तत्व बनाती है शुक्र धातु को, यानी हमारे वीर्य को। यानी आपने जो कुछ भी खाया पिया है उसके जो पोषक तत्व हैं उनसे आपका वीर्य बना। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने जो कुछ भी खाया पिया है वो पचते 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 अगले 1 महीने के बाद वो फिर उस खाने में उपस्थित पोषक तत्व आपके वीर्य या शुक्र को बनाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज जो है, आज मान लीजिए 5 मई है तो 5 जून तक आज का खाया हुआ खाना जाके वीर्य में कन्वर्ट होगा। अब आप सोचिए, शरीर इतना मेहनत करता है आपका वीर्य या शुक्र धातु को बनाने में, इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे पहले ये भी समझ लीजिए। अब अगर इसी तरीके से मास्टरबेशन का, हस्त मैथुन का काम चलता रहा तो इसके हमारे शरीर में सोचिए ना खुद कितने सारे दुष्प्रभाव होंगे। सबसे पहला तो आपका बॉडी जो है बहुत जल्दी एज करेगा, समय से पहले आप बुढ़े दिखने लगेंगे। आपके बाल झड़ने की समस्या, चेहरे पर बिल्कुल भी रौनक ना होना, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डेड और डल दिखना, साथ ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या, रात में नींद ना आने की समस्या, काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी डिप्रेशन की समस्या, आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, शरीर में हॉर्मोन्स की गड़बड़ी हो जाना। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर संतान की उत्पत्ति करनी है, आप खुद सोचो कि आपके पास एक बहुत बड़ा खेत है और उसमें आपको बहुत अच्छी फसल चाहिए तो आपके बीज की क्वालिटी भी तो बेस्ट होनी चाहिए ना। तो इम्पोटेंसी की समस्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या, इस तरीके की समस्याएँ हो जाती हैं। साथ ही प्रोस्टेट कैंसर की समस्या, आपके जननांगों में सूजन होने की समस्या, ऐसी समस्याएं, आपके जॉइंट्स में पेन होता है, आपके नी में पेन होता है, जॉइंट से टक टक की आवाज आती है, साथ ही आपका डाइजेशन तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, गट और माइंड का जो कनेक्शन है वो भी खराब हो जाता है, मोटिवेशन नहीं होता, उत्साह नहीं होता, आपके शरीर में स्टेमिना नहीं होता, ताकत की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है। और इसका जवाब आपको खुद मिल गया होगा कि जब हम इस शुक्र धातु को बेकार में व्यय करेंगे तो इसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब एज पर आयुर्वेदा और योगा, मास्टरबेशन करके अपने वीर्य को व्यर्थ करना इज नॉट गुड,
आपको अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए, अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए। और हमारे ऋषि और मुनि क्या करते थे, इस एनर्जी को अपनी योग की साधना में इस्तेमाल करते थे, अपनी ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगामी बनाते थे। बहुत से फिजिशियन आपको बोलेंगे या एलोपैथी में आपने सुना होगा कि मास्टरबेट करना इज़ ओके क्योंकि इससे स्ट्रेस रिलीज होगा। लेकिन स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत से तो और तरीके हैं ना। अगर आप योग का अभ्यास करें तो स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए कुछ आप प्रयत्न कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके बारे में सोचना ही कम कर दें या सोचना ही छोड़ दें। अगर आपकी संगति ऐसी है तो अपनी संगति को थोड़ा चेंज करें। साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं कि अपने आप के अंदर कोई हॉबी डेवलप करें, और अगर आपकी ऑलरेडी कोई हॉबी है तो आप उसमें इंगेज हों, अपने मन को पूरी तरीके से उस हॉबी में लगाएं। जैसे कि फोटोग्राफी हो गया, बागबानी हो गया, कुकिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाइए। अगर दोस्त नहीं हैं या आपको कोई और चीज़ें अच्छी लगती हैं, किताब पढ़ना अच्छा लगता है, तो इन सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। या कि फिर इसके अलावा आपको योग का अभ्यास डेफिनेटली करना चाहिए। इससे आपकी मन की शक्ति जो है इम्प्रूव होगी, आपका आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो डेवलप होगा। योग में हर एक अभ्यास है इस तरीके से किया जाता है कि आपकी ऊर्जाओं का सही इस्तेमाल हो। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि सिद्ध आसन में कैसे आपको बैठना है। जब पुरुष इसका अभ्यास करते हैं तो इस आसन को कहते हैं सिद्ध आसन, और इसी आसन को जब महिलाएं अभ्यास करती हैं तो इसी आसन का नाम बदल के हो जाता है सिद्ध योनि आसन। इस आसन को करना बड़ा आसान है, लेकिन कुछ स्टेप्स अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपके लेफ्ट पैर की एड़ी को थोड़ा सा अपनी बॉडी को पीछे की तरफ झुकाइए, और लेफ्ट एड़ी को जितना हो सके अपने पेल्विक रीजन के पास लेके जाइए। सो दैट का आपको आपका जो जननांग है ना, जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, वो ऊपर हो, और एड़ी अंदर की तरफ जितना टक कर सकते हैं उसको इस तरीके से टक करें। और फिर उसके बाद आगे की तरफ हल्का सा ऐसे जब आप आएंगे तो एग्जैक्टली आपकी एड़ी आपके जननांग पर एक हल्का सा प्रेशर बना रही है। फिर उसके बाद आप अपने दाहिने पैर को मोड़ें, और उसके बाद अपने लेफ्ट पैर की थाई और आपकी काफ है ना, जांग और पिंडलिनी के बीच में ऐसे थोड़ा सा गैप बनाएं, जैसे आप लिफाफा देखते हैं ना, लिफाफा को खोलते हैं इस तरीके से, ऐसे खोलेंगे और अपने राइट पैर के पंजे को ऐसे लेफ्ट पैर की थाई और काफ के बीच में ऐसे टक कर दिया। और उसके बाद फिर अपने लेफ्ट हाथ से अपने लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ा और इसको राइट थाई और काफ के बीच में से ऐसे पुल कर लिया, और हल्का सा आगे की तरफ झुक के बैठ गए और दोनों हाथों को ऐसे घुटने के ऊपर रख लिया। इसका फायदा क्या होगा कि ये आपकी ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगामी करेगा, यानी आपकी ऊर्जाओं को संरक्षित करके उसको व्यय नहीं होने देगा। हमारे शरीर में उपस्थित जो 7 चक्र हैं उसमें सबसे जो लोअर चक्र है, जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है संग्रहित होती है, कुंडलिनी के रूप में संग्रहित होती है, और जब आप योग के अभ्यास में और आगे बढ़ते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो इन ऊर्जाओं को ऊर्ध्वगामी करने में मदद करता है सिद्ध आसन। तो इस तरीके से स्ट्रांग। इसके अलावा इसका और एक बेनिफिट है कि आपको इस तरीके का एक ब्रॉड बेस मिल गया। देखिए कितना चौड़ा, अगर आप सुखासन में बैठते हैं तो वहीं सकरा हो जाता है। तो और इसके अलावा आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में ये बहुत मदद करता है। रीढ़ की हड्डी जब सीधी रहेगी तो आपकी ऊर्जाओं को ऊपर ऊर्ध्वगामी होने में कोई इंटरप्शन नहीं होगा, किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं होगा, और ऊर्जाएं लोअर चक्र से होके हायर चक्र की तरफ बढ़ेंगी आपकी एनर्जीज। अपने हाथ को घुटने के ऊपर ऐसे रख लें। अब बहुत से लोग ऐसे सिद्धासन में बैठने में असमर्थ होंगे, कोई बात नहीं। अगर इस पैर को नहीं टक कर पा रहे हैं तो इसको मैट पर ही रहने दीजिए, सिर्फ एक पैर की एड़ी को अपने जननांग के नीचे इस तरीके से टक कर लीजिए और आगे की तरफ हो जाइए, दूसरे पैर को मैट पर रहने दीजिए, इसमें भी ब्रॉड बेस मिल गया। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल क्रॉस लेग पोजिशन पर इस तरीके से बैठ जाएँ, सुखासन में इस तरीके से बैठ जाएँ पालती मार के। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाएँ। अगर आप बहुत बुज़ुर्ग हैं, अगर आपके लाइक घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, कोई सर्जरी हुई है, तो आप कुर्सी में बैठ के अभ्यास करें। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो सिद्धासन का अभ्यास ज़रूर सीखें।
तो सिद्धासन के अभ्यास के लिए आपकी एंकल्स की मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, घुटनों की मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप अगर चाहते हैं इसके लिए मैं आपको कोई वीडियो सजेस्ट कर दूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, जिससे एंकल्स नी की मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो और सिद्धासन को किस तरीके से आप कर सकते हैं, या कि यहाँ पर आई बटन में भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो सिद्धासन का काम हो गया। तो अब सिद्धासन स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है, अब मैं आपको सिखा रही हूँ बहिर्कुंभक का अभ्यास। सांसें जब रुकती हैं तो आपका मन फिर कहीं भटकता नहीं है, आपका मन जो है शांत होके एक ही जगह पे रहता है। तो अब जो हमारे मन की दुर्बलता है, इन दुर्बलताओं से ऊपर उठना है और एक डिसिप्लिन लाना है, इसके लिए ब्रेथ रिटेंशन आपको बहुत ज़्यादा मददगार होगा। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल रिटेंशन सीखते हैं किस तरीके से अभ्यास करेंगे। अभी पहले मैं आपको दोनों हाथों को घुटने पर रख के पहले रेशियो समझा देती हूँ। सांस लेंगे नाक से, 1 2 3 4, ली हुई सांस को अब नाक से छोड़ेंगे, सांस को धीरे धीरे छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी सांस बाहर छोड़ दी, और छोड़ने के बाद बाहर सांसों को रोक के रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से मैंने आपको रेशियो समझा दिया, अब ज़रा करके बताती हूँ। सांस लिया नाक से, आंखों को बंद कर लें, ध्यान को नाक पर रखें, ली हुई सांस को फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, जितनी सांस ली है उससे दोगुनी सांस छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पूरी सांस छोड़ दी जितनी आपके शरीर के अंदर आपने ली थी। फिर उसके बाद सांसों को बाहर रोक के रखें, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर भर आप सांसों को बाहर रोक सकते हैं बाहर रोक के रखें। फिर से सांस लें, और जब सांसों को छोड़ रहे हैं धीरे 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 अपने पेट को पिचका दें, पेट को पूरा पिचक जाने दें, पूरा पिचक जाने दें, जिससे कि पेट जो है आपकी नाभि जो है पीछे की तरफ पूरी चिपक जाए, और सांसों को बाहर रोक के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस लें, पेट को फुलाया फुलाया पूरी सांस ले लें, छाती पर पूरी सांस भर लें, अब सांस को छोड़ना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सांसों को बाहर रोक के रखें, पेट को पिचका के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और देखिए, सांस लिया, पूरा पेट फुलाएं, छाती फुलाएं, पूरी सांस लें, और सांसों को छोड़े धीरे धीरे, नाक से ही छोड़ेंगे, और जितने कंट्रोल के साथ सांसों को छोड़ सकते हैं उतने कंट्रोल के साथ सांस को छोड़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, और सांसों को बाहर रोक के रखा, जिसको कहते हैं बहिर्कुंभक। इस तरीके से सांसों को रोक के रखा, अब अपने हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दिया, आंखों को बंद करके कुछ देर शांति से बैठेंगे, फिर उसके बाद आंखों को खोल लेंगे। तो आपने देखा, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन सांसों को रोकना और सांसों को छोड़ना ये बहुत आराम आराम से करना है। दूसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है कपाल भाती क्रिया। ये क्रिया बहुत ही वंडरफुल है, क्योंकि इसको बहुत से लोग प्राणायाम के नाम से जानते हैं, लेकिन जो हठ योगा में इसका जो जिक्र किया गया है वो है एक क्लिंजिंग टेक्निक। अब क्लिंजिंग टेक्निक क्या करती है, आपकी शरीर की शुद्धि करती है, आपके शरीर की जो ऊर्जाएं हैं उसको अच्छी तरीके से फ्लो होने के लिए अगर रास्ते में कोई बाधा है उन बाधाओं को ख़त्म करती है, ताकि एनर्जीज बहुत अच्छी तरीके से, प्राण जो है आपके शरीर में बहुत अच्छी तरीके से फ्लो हो, आपके एनर्जी चैनल्स जो हैं उनको क्लीन करती है, एनर्जी सेंटर्स जो हैं यानी आपकी शरीर की नस नाड़ियाँ, आपके चक्र जो हैं इनको क्लींस करती है। अपने हाथ को घुटने के ऊपर रखा, इसी तरीके से सिद्धासन में बैठे हुए हैं, आंखें बंद कर ली हैं, और नाक से सांस को ज़ोर से छोड़ेंगे। कैसे, देखिए 3 से 4 बार देखिए, मुँह बंद रखा है, छाती को रिलैक्स रखा है, और नाक से सांस को ज़ोर से छोड़ रहे हैं,
देखा आपने, ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऐसे बॉडी को हिलाया डुलाया, ये सब चीज़ें नहीं, शांति से बैठे हुए हैं, सिर्फ सांस को छोड़ने पर ध्यान देना है। अब आपको इसका अभ्यास कम से कम एक मिनट तो करना ही करना है। आंखों को बंद कर लिया और रिदमिक अभ्यास कर ले, फिर से शांत बैठ जाएं। इस अभ्यास को कम से कम आपको 5 से 10 मिनट हर रोज करना है, हर रोज। एक दिन के अभ्यास से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला, मैं बार बार रिपीट करती हूं अपनी वीडियोस में। अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं, जो तीसरा अभ्यास है, जो आपके मन को संतुलित करेगा। जो हमारा ब्रेन है ना, वो दो भाग में डिवाइड होता है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। तो आपका जो राइट ब्रेन है वो कंट्रोल होता है लेफ्ट नॉस्ट्रल से, और जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो उसका जो तार है वो आपके राइट नॉस्ट्रल से जुड़ा हुआ है। तो जब आप अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में समन्वय स्थापित होता है। तो 4 काउंट तक इनहेल करेंगे, 8 काउंट तक सांसों को रोकेंगे, फिर 8 काउंट तक दूसरी नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर जिस नासिका से सांस छोड़ी है उसी नासिका से वापस से सांस लेंगे, फिर से सांसों को रोकेंगे, और फिर जहां से शुरुआत की थी, जिस नासिका से शुरुआत की थी, उसी नासिका से सांस को छोड़ देंगे। दिल को अपने थंब से इस तरीके से बंद कर लें, अंगूठे से बंद कर लें, और अपने एल्बो को चेस्ट के पास ला के रखें। अपने राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, 1, 2, 3, 4, और दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब राइट नॉस्ट्रल को खोल रहे हैं और राइट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सांस लिया राइट से, फिर से दोनों नासिकाओं को बंद कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को खोलें और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को छोड़ दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं आप इस कन्फ्यूजन में मत हो जाइएगा कि ऐसे गिनती गिनते गिनते आपको सांस लेना और छोड़ना है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि गिनती आपको समझ में आ जाए, जब आप खुद अभ्यास करेंगे तो गिनती नहीं गिनेंगे। वापस से देखिए, आंखों को बंद कर लीजिए, कंधों को रिलैक्स रखिए, सांस लीजिए, बंद कर लीजिए दोनों नासिकाओं को, सांसों को रोक के रखिए। जितनी देर तक आप सांसों को आसानी से रोक सकते हैं उतनी देर तक आसानी से रोकें। जितनी सांस ली है उसके 2 गुना 3 गुना या 4 गुना तक आप सांसों को रोक सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी राइट नॉस्ट्रल को खोलें और राइट नॉस्ट्रल से धीरे 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 सांस को छोड़िए। जितनी आपने सांस ली थी उससे 2 गुनी सांसों को छोड़िए, जितना धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। वापस से इसी नासिका से सांस लें आप, बहुत आराम आराम से। फिर दोनों नासिकाओं को बंद कर लें और बंद करते वक्त बहुत ही सहज महसूस करें, बहुत ही घबराहट महसूस ना करें, और अपने ध्यान को अपने माथे पर ला सकते हैं तो ले आएं, अदरवाइज अपनी नासिका पर रखें। फिर उसके बाद अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को खोलें और सांस को धीरे 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 अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से छोड़ दें। तो इस तरीके का अभ्यास कम से कम आपको 5 से 10 मिनट हर रोज करना है, बिना रुके हुए। अब हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें, अपने ध्यान को अपनी नासिका के द्वार पर लेके आए, कम से कम 5 मिनट तक आंखों को बंद किए हुए अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं और अपनी सांसों को देखें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में।
इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है और इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे आप बिगनर हो या एग्जिस्टिंग योगा प्रैक्टिशनर हो या आपको कोई हेल्थ कंडीशन हो। हर एक क्लास में हर एक प्रैक्टिस को मॉडिफाई किया जाता है स्टूडेंट्स की कंडीशन के हिसाब से। साथ ही इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में हर दिन आपको अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, अलग अलग तरीके की यौगिक क्रियाएं सिखाई जाती हैं और लाइफस्टाइल को किस तरीके से आप बेहतर कर सकते हैं इसके लिए बहुत से टिप्स भी दिए जाते हैं। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन करके मेरे कई सारे स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ कंडीशन से उभरे हैं, चाहे डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, स्ट्रेस की समस्या, नींद ना आने की समस्या, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, बैक पेन, नी पेन जैसी समस्याएं और भी बहुत सी ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेस। अगर आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाते किसी कारण से, तो आप मेरे द्वारा डेवलप किए हुए कुछ रिकॉर्डेड सेशन हैं, योगा के कोर्सेज हैं, इनको परचेज कर सकते हैं और आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि आप दिन में कभी भी, कहीं भी, कितनी भी बार इन वीडियोस को प्ले करके अपने कंफर्ट जोन में रह के योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। और जो ये कोर्सेज हैं ये भी कम्प्लीटली 100% बिगनर फ्रेंडली है। जब आप इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो कोर्स के कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इन क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मेरी जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा www.yogawithshahida.com या कि फिर यहाँ पर स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको क्लास के बारे में सारी की सारी डिटेल भेज दी जाए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को योग सिखाने के लिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी प्रैक्टिसेस समझाई और बताई। आशा करती हूँ सारी की सारी प्रैक्टिसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपको प्रॉमिस करना होगा कि ये सारी प्रैक्टिसेस आप हर दिन खुद भी करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी मोटिवेट करेंगे कि वो हर दिन योग का अभ्यास करें। इस वीडियो को अगर आप उन तक शेयर कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, उनको भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे फ्यूचर में आने वाले टॉपिक जो हैं मैं अपने कमेंट सेक्शन से ही उठाऊँ। आप सभी से गुजारिश है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना और अपने परिवार का बहुत 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 ध्यान रखिएगा। निरंतर योग का अभ्यास करते रहें और अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। नमस्ते। Thank you.